अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल माई हॉबी पेट्स। दोस्तों बहुत सारी वीडियो आप सब लेके आते हैं, लेकिन अगर आज की वीडियो की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डव और फिंच एक ही केज में है और बहुत ही अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो इनकी ब्रीड दिखा दूँ और ब्रीड की प्रोग्रेस दिखा दूँ। अगर हम डव की बात करते हैं तो दोस्तों जो डव है, डव का जी ये ऊपर नेस्टिंग बॉक्स है, टोकरी लगी हुई है, तीनों ने नेस्ट इकट्ठा कर भी लिया है। और साथ अगर इसके बच्चे की बात करें तो जी ये सामने उसका बच्चा बैठा हुआ है, जो कि भी कुछ दिन पहले ही बच्चा बड़ा हुआ है और बाहर निकला है अपनी टोकरी से, और इन्होंने दोबारा से ब्रीड का आगाज़ कर दिया। मतलब ये है कि ये 20 से 25 दिन में अपने बच्चे को निकाल के बाहर छोड़ती है और दोबारा से अंडों पर आ जाती है। तो डव की प्रोग्रेस अच्छी है, फिंच की भी रखी हुई है, लेकिन फिंच ने अभी तक मेरे पास ब्रीड नहीं की। इसका यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये साथ ही, तो अभी इसमें देखते हैं, कुछ ख़ास है नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पे जी डव माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड कर रही है। अच्छा, इनके जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो मार्च के आगाज़ में शुरू हो जाता है, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये भी अपनी ब्रीड शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है बार बार कि फिंच और डव को इकट्ठे रख सकते हैं, तो जी दोस्तों डव और फिंच को इकट्ठे रखा जा सकता है। कभी कभार फिंच की इनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन डव इतना ज़्यादा इसको डैमेज नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ी सी शर्मीली कह लें या थोड़ी सी मोहब्बत वाली फीलिंग है इसमें, तो वो डव इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहती। हाँ, अगर फिंचेस डव को मारने पे आएँ तो ये उनको मार नहीं सकती, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। और यहाँ पे ज़्यादा ही इनकी दोस्त माहौल ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और अपनी ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का ये भी क्वेश्चन है कि यार ये डव कितने अंडे देती हैं। अच्छा, अंडों की बात करें तो भैया ये दो अंडे देती हैं, कभी कभार ये तीन अंडे दे देती हैं, लेकिन इनका दो ही अंडे होते हैं इनके, और बहुत ही अच्छा इनका सीज़न चल रहा है यहाँ पे। ये देखें, जो पीछे वाली साइड बड़े आँख वाला है वो मेल है, छोटी आँख वाली फ़ीमेल है, तो ये भी बिल्कुल ब्रीड पे है। जब ये ब्रीड की आवाज़ देते हैं ना अपनी फ़ीमेल को, तो बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत ही नज़ारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। अभी यहाँ पे देखें इनकी फ़ाइट चल रही है, लेकिन फ़ाइट इतनी है कि वो उड़ा देता है, वो बैठ जाता है उसकी जगह पे, कोई ऐसा मसला हो तो ये प्रोग्रेस इनकी प्रॉब्लम चलती है ऐसे ऐसे। तो साथ ही साथ यहाँ पे मेरे बाकी भी परिंदे लगे हुए हैं। अच्छा, फिंचीज और डव की बात हो रही है तो आज हम इन्हीं पर रहते हैं, बाकी की जो अपडेट है वो मैं आपको बाद में दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं फिंचीज पर, तो ये फिंचीज़ का बॉक्स मैंने साइड पे लगाए हुए हैं, इनको भी नेस्टिंग मटेरियल देना है, इनके भी मेल फीमेल कंफर्म है, तो अब इनको मैंने बॉक्स लगाना है ताकि ये भी बहुत जल्द ब्रीड करें और यहाँ पे ब्रीडिंग ज़्यादा हो। इनका भी मौसम है, गर्मियों में मौसम होता है थोड़ा सा, यही मार्च के महीनों में।